हेलो दोस्तों, स्वागत है भूमि टेक के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त शशि विश्वकर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए। दोस्तों, मेरे पास एक लैपटॉप आया है, एसर का, मॉडल नंबर गेटवे 4250S है। इसमें मैं विंडोज 10, 7 चाहे 8 या फिर 10 कोई भी इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये बार बार ये एरर आ रहा है, विंडो कांट बी इंस्टॉल टू डिस्क, दिस डिस्क सेलेक्टेड डिस्क इज ऑफ द GPT पार्टीशन स्टाइल। यही इधर बार बार आ रहा है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले यहाँ इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे सिंपली हम टाइप शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे, सिंपली फंक्शन के साथ शिफ्ट F10, ठीक। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब यहाँ टाइप करेंगे डिस्क, DISKPART, डिस्क पार्ट। इसके बाद इंटर करेंगे, इसके बाद दूसरा कमांड अप्लाई करेंगे लिस्ट, उसके बाद इंटर, ठीक। अब इसके बाद सेलेक्ट डिस्क 0, इंटर। अब इसके बाद क्लीन CLEAN इंटर दबाने से पहले मैं दोस्तों आप लोग से कहूँगा कि आप अपने हार्ड डिस्क का डेटा बैकअप कर लें। क्लीन कमांड इंटर करते ही आपके हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशन, सारे ड्राइव डिलीट हो जाएंगे और आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा आप अपना डेटा का बैकअप बना लें। बैकअप बनाने पर इंटर करें, यहाँ पे क्लीन कमांड पे इंटर कर देंगे। सिंपली आप क्लोज करके अपना विंडो इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये GPT पार्टीशन स्टाइल का प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप चाहे तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं, 100% वर्किंग है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।